हाँ जी, सारे ही मेरे सत्कारयोग वीरानू जी काला सिंह संधू फार्मर सरदूलगढ़ जिला मानसा वालों सत श्री अकाल ते सारे ही भरावां दा बहुत बहुत मेरे वालों स्वागत। जिहड़े मेरियां वक्खो वक्खरियां विशियां ते वीडियो नूं तुसीं प्यार दिंदे हो, मैनूं भी हो जांदा भी मेरे किसान वीरां दी मैं जिन्नी कु वाहिगुरू ने ज्ञान बख्शिया भी उन्नी कु मदद मैं भी करदा। कई बार किसी वीर नूं किसी संबंधी विशे ते नहीं पता हुंदा, खेती दे बहुत ही बड़े विद्वान बड़े बड़े माहिर डॉक्टर ते बहुत ही मेरे तजर्बेकार किसान भरा बैठे आ ते बहुत ज्ञान है ते सारे भरावां दा मैं तहे दिलों धन्नवाद करदा। चलो ज्ञान वंडन नाल ज्ञान कहिंदे वध जांदा हुंदा। ते अज आपां भरावां दे मैसेज आए सी भी वीर जी कद्दूआं दी वीडियो पाओ, जिहड़े कद्दू लाए सी उह लाया होए दी भी वीडियो हैगी अपने कोल, जे तां उह आखो भरा उह पा दांगे। तो नहीं मैं सुनूं अज वह लाए सी आप, मैनू लगता 11वें महीने की 22 तरीक नूं लाए सीगे ते अज 12वें की 1 तरीक होगी, 12वां महीना चढ़ चुकिया ते हफ्ता मन 8-10 दिन हो गए लाया नूं ते विच विच उगे आउंदे आ। जिवें एक एक वट ते मटर लग्गिया सीगा ते एक वट ते कद्दू आ, एक ते मटर एक ते कद्दू। पर मैं सुणना गल सांझी कर लां भी जरूरी नहीं हैगा, जिवें आह वट ते मैको दा कद्दू लग्गिया होया अपने कोल, मैको दा लग्गिया गा, हाई वेज वालिआं दा जयदेव लग्गिया गा ते कलोज वालिआं दा लग्गिया। ते बाकी पहले ये गल आ भी जिवें तुसीं आपदे एरिए दे आपदे मंडीकरण दे हिसाब नूं रख के कोई भी मन कोई भी किस्म ला सकदे। जे किसी भरा ने घर वास्ते कोई 2-4 बल्लां लाउणीआं ने तां उह भरा भी ला सकदा, घरेलू बगीची ते भी इक दिन बनाउणी आ वीडियो। ते इह एक एक वट छड के लगे हुए आ, जरूरी नहीं हैगा भी तुसीं एक वट छड के ही लाउणा। तुसीं आपदे ट्रैक्टर दा विच दी गेड़ा लंघदा जां रूटावेटर लंघदा विच दी, 9 फुटा रूटावेटर हुंदा, 8 फुटा हुंदा जां जिवें भी हुंदे आ, जिहड़े भरा कोल जिन्ने फुटा भी हैगा। जे विच भरा ने मटर लाउणे आ तां उह मन 5-6 वटां मटरां दीआं ते उदों अगली वट कद्दू दी ते उदों अगलियां फिर मटरां दी। जिवें पहली वट कद्दू दी कढ़ती, आह 7-8 वटां मन मटरां दीआं कढ सकदा, फिर कद्दू दीआं कढ सकदा। ते जे किसी ने भरा ने उह तां बण जाणगे बैड, क्योंकि मटर हो जाणा तुहाडा मार्च दे विच खत्म। जिहड़ा अज साढ़े 11वें महीने च बजांद होई है मटर दी, उह मार्च महीने च साढ़े एरिए च मानसा एरिए च मटर मन मार्च महीने दे विच तकरीबन खत्म हो जाता, गर्मी लै पैंदी है। ते उदों बाद वो मटर वाले थां च वो बल्लां जिहड़ियां कद्दू दीआं हैगीआं ने, आ जा मनी चप्पलां लाया गिल्ला, ते जिहड़ियां कद्दू दीआं बल्लां हैगीआं ने वो फिर वो मटर वाले थां च वग जाणगीआं। उत्थे तुसीं वो वट्टां ते रूटावेटर मार सकदे हो, जे नहीं रूटावेटर मारना तां फिर वह तुहाडा जिहड़ा कद्दू लगूगा, कई वारी आपां नहीं मारदे तां वो जदों थल्ले हुंदा ते मींह मूह पै जांदे बरसात हो जांदी तां उहनूं गलन रोग आ जांदा कद्दू नूं, फिर वह जो पानी लग गया नाल तां उन्हें कद्दू ने गल जाना, क्योंकि जो निक्के निक्के बच्चे लगते बल्लां ते नरमादा किस्मां ते वह बाद दीआं गल्लां ने। ते भी जे किसी ने हुण जिवें असी कद्दू लाया इह मैं तां सिस्टम मेरा यह बणिआ होइआ, मैं तां इहदे विच बांस ला के इहनां नूं जाल ते चढ़ा दूंगा भी आह जिहड़ी मटर वाली वट आ इह एवें रहि जूगी, इहनूं बौंदा ही नहीं, ठीक है, आह वट ते कद्दू आ इत्थे आपां बांस ला देंगे जाल ते चढ़ जाणगे कद्दू ते इहदा खाल बन जूगा, पानी फिरदा रहूगा। फिर आह वट छड के फिर इहते कद्दू आह उगरे भी दिखा दे बई, अज नेड़े कर दे माड़ा, आह उगदे आउंदे आ कद्दू भी, अज 8-10 दिन होए ने कद्दू उगदिआं नूं, आह कद्दू लाया नूं ते उगण लग गए, आह देखो हजे निक्के निक्के हजे आह बिचा बेचारा हजे निकलदा आउंदा, जोर लाई जांदा पूरा आपदा। ते रात नूं मैनूं लगदा तकरीबन वट्टां इह आह मटर आह देखो भरा इह मटर उगदा आउंदा ते आह कद्दू निकलदे आउंदे, इह ते मन कद्दू आ गए सारी वट ते तुर, ते इह ते फिर मटर आ गए वो अगली ते फिर कद्दू आ गए, आह देखो इह ते भी उगदे आउंदे आ, क्योंकि हजे इह ते फिर मटर आ गए, इह ते फिर भरा कद्दू आ गए इन्हां ते फिर लै बनी। ते इस तरह भी जे तां किसी ने एक वट ते लाउणा उहदे वास्ते तां जाल बेस्ट रहूगा, क्योंकि फिर आह वट दा तुहाडा खाल दा कम देऊगी, इहदे विच पाणी चलूगा। ते
जे तुसी लंघ तां इह थले भी जाणगे, पर कई बार फिर इह जिहड़ा मन पाणी मीह दा भी हुंदा जां अपना पाणी जिहड़ा आपां लाउणे आ तां उह मन गलन रोग आ जांदा, क्यों कद्दू लई ज़्यादातर बैड बण जाए तां ज़्यादा वैस्ट हुंदा भी थले, जिहड़ी जे तुसी चार पंज वट्टां सन्न 'च छड्ड के लाता तां उह तुहाडा बैड बण जाणगे, रूटावेटर मार सकदे हो तुसी, ते नहीं तकरीबन आए भी फिरदा रहिंदा। ते इक भरावो आपदे एरिए दे हिसाब ते जिवें कद्दू आ यह सारा साल सारिया वरायटियां लगदिया ने, बस इन्हों किस्म बदलिया जा मेरा अज विशा सीगा भी मैं भरावान मन कद्दू दिखाव उगदे ते कद्दू के विषय से भरा वीडियो मंगी जाते भरावान की मंग पूरी करिए आपकी भरावान पता लग जाए। तो जे किसी भरा ने मन जाल लाना तो जाल से जिमें मन चार तारा ला लो अपनी जिमें कुपाली तार होंगी है 12 नंबर तार वजदी वह कुप वाली तार वह तार चार पैनी है बिच वो रस्सियाँ वह सू जाल बुनते भी दिखा देंगे किमें बुनागे। तो जे मन कद्दू च वजन ज्यादा होंदा वो सू चार पाँच तारा तो पाया पैनिया बिच दरी वाला धागा वह पाना पूगा जिमें करेले का हल्का वजन होंगे यदा ज़्यादा होंगे। तो जे थोड़े को 8 नंबर तारा पर खिच नहीं पैंती पै तो वह भी आती पर खपाई भी वे मन उत्ते खर्चा भी ज़्यादा आता है भी ये तुसी दोनों ऑप्शन ही कर सकते हो, तुसी जाल ते चढ़ा सकते हो सिंगल वट ते तुसी इनू मन इधर उधर टपा भी सकते हो जिमें हुण कई बार जिमें असी इस तरह भी टप जाऊ इधरला इधर आजूगा तो इधरला इधर आजूगा पर इहदा बरसात तां जां गलन रोग आउंदा उह तों ख्याल रख फिर तुसी 3-4 वट्टां छड्ड सकते हो विच मन आपदा रूटावेटर दा गेड़ा लंघदा ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਥਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਦੂ ਵਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਦੂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਭੁੱਛਰ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਅਤੇ ਬੱਲਣ ਮੰਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਲਾਤਾ ਸਿੰਗਲ ਵੱਟ 'ਤੇ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਫੁੱਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੱਦੂ ਲਾਤਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੱਦੂ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਵੱਟ ਤੋਂ ਵੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਨ 3 ਫੁੱਟ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਫੁੱਟਾ ਮੰਨ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਗੂਗਾ 6.5 ਫੁੱਟਾ ਰਿੰਗ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਫੁੱਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਚੜੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਵੱਟ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਵੱਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ 4.5 ਫੁੱਟਾ ਰਿੰਗ ਅਤੇ 4 ਫੁੱਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਵੱਟ ਆ ਸਿੰਗਲ। ਜੇ ਡਬਲ ਵੱਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰਾ ਦੋਨੇ ਡਬਲ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਫੁੱਟਾ 6.5 ਫੁੱਟਾ ਰਿੰਗ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 6 ਫੁੱਟਾ ਭਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਦੂ ਕਿ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਟ ਦੇ, ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਮਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਥੋਂ ਮਦਦ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਓਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।